हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्नो मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में यार मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप गूगल स्ट्रीट व्यू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये बेसिकली क्या है, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर गूगल स्ट्रीट व्यू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, फिर आपको इसे ओपन कर लेना है। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल और यूज़फुल होने वाला है। अगर आप किसी जगह पर विजिट करना चाहते हैं तो उससे पहले उस जगह का पूरा 360 व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी आसानी से, या फिर आप जिस भी जगह पर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट, यहाँ पर मैंने दिल्ली का अगर मैप खोल लेता हूँ, मैंने यहाँ पर दिल्ली का मैप खोल लिया, तो दिल्ली का ये यहाँ पर आप देख सकते हैं दिल्ली का मैप आ चुका है। मैं इसे ज़ूम करता हूँ, तो जैसे ही मैंने ज़ूम किया तो नीचे जब मैं स्लाइड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर जैसे कि एक अच्छा प्लेस है दिल्ली के अंदर में घूमने के लिए। फिर आपका ये जामा मस्जिद है, तो दिल्ली पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने जंतर मंतर पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जंतर मंतर की जो है फ़ोटो आ चुकी है। और बेसिकली ये जो एक फ़ोटो है ये 360 डिग्री का स्ट्रीट व्यू है। जैसे ही आप इसे स्क्रीन पर राउंड करेंगे तो ये पूरा स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर में। तो बेसिकली अगर आप जंतर मंतर विज़िट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप 360 एक जो है स्ट्रीट व्यू देख सकते हैं। और बेसिकली ये एक ट्रस्टेड ऐप है गूगल की तरफ से, जैसा कि आपको मालूम है, और काफ़ी आसानी से इसमें आप 360 का व्यू देख सकते हैं। इसमें एक और भी फीचर दिया गया है कि आप जैसे जिस भी मोहल्ले या जिस भी गली में रहते हैं तो आप अपनी फ़ोटोज़ भी, अपने मोहल्ले की फ़ोटोज़ भी क्लिक करके अपनी स्ट्रीट की भी फ़ोटोज़ डाल सकते हैं। बेसिकली गूगल जो है आपकी ही खींची गई फ़ोटोज़ को दिखाता है यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर यार ट्रस्टेड होना चाहिए और वेरीफिकेशन वगैरह काफ़ी आसानी से हो जाता है, तभी यहाँ पर ये फ़ोटो आती है। अब मान लीजिए मैं इस जगह पर देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर वाड़े गांव, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ये एक किला है और इस किले का पूरा 360 व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप भी इस तरीके की फ़ोटोज़ जो है डाल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो प्लस का आइकन दिख रहा है, कैमरे वाला आइकन, इस पर क्लिक करके आप काफ़ी आसानी से डाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कि अगर मैं ज़ूम करता हूँ तो ज़ूम करने के बाद जो और भी जगह है वहाँ पर का अलग फ़ोटो, जैसे मैंने यहाँ पर ज़ूम किया कनॉट प्लेस, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी जगह है वो सबसे ऊपर में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट ये वाली आ चुकी है, तो यहाँ पर जो भी प्लेसेस वगैरह है वो यहाँ पर काफ़ी आसानी से आ जाएगा। तो आप यार इसे ज़ूम करके भी देख सकते हो, जैसे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है मंदिर या फिर जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। और आप यार काफ़ी आसानी से इसकी हेल्प से आप 360 व्यू जाने से पहले देख सकते हो। और आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर फीचर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप कलेक्ट करके कोई चीज़ रखना चाहते हो जूम वहाँ पर कर सकते हो। प्रोफाइल्स वगैरह, एक्सप्लोरर वगैरह का भी मिल जाता है। मैं यहाँ पर एक मुंबई का भी मैप खोल लेता हूँ, तो मैंने मुंबई का मैप खोल लिया है, तो यहाँ पर यार मुंबई का स्ट्रीट व्यू मेरे को पूरा दिख जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर मुंबई का पूरा स्ट्रीट व्यू है। आप जिस भी, जैसे कि मैं बांद्रा वेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैंने टैप किया, तो यहाँ पर बांद्रा स्ट्रीट व्यू के आसपास में जितने भी 360 व्यूज़ वाले होंगे वो सारे जो है आपको इमेजेस यहाँ पर शो हो जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर इमेजेस शो हो गया है। तो आप बेसिकली यार इस पर टैप करके जो है देख सकते हो पूरा 360 व्यू फुल HD क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये ऐप आपको पसंद आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर यार ऊपर वाले पर टैप करके आप अपने लोकेशन के आसपास की भी जो है जगह को देख सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।